हे गाइस, वेलकम टू एज आर्ट्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो लॉर्ड शिवा की ये ड्राइंग को, आदि योगी स्टैचू को, कुछ इस तरह से। एंड ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है, तो अपनी पेंसिल, अपनी पेपर रेडी रखिए मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए। एंड ये एक डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ड्राइंग को करने में। एंड शुरू करते हैं हम लोग वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास 2B पेंसिल नहीं है तो आप HB यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 2B इसलिए चूज़ किया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जब मैं ड्रॉ करूँ। ओके, तो हमारा पहला स्टेप है, हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्केल का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जितना हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया है ऊपर वाला, उसका हाफ हम नीचे ड्रॉ करेंगे एक और बॉक्स, सेम जैसे हमने ऊपर वाला बॉक्स ड्रॉ किया था उसी की तरह। ओके, तो सेम हाइट का बॉक्स हमें एक और नीचे ड्रॉ करना है, बट इसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो 3 बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। एंड ये ऊपर वाला हमारा हेड है, नीचे वाला नेक, एंड सबसे नीचे वाला हमारा शोल्डर। ओके, तो इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है एक फ्लोटिंग माउंटेन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड फ्री हैंड मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि ये करेक्ट होना चाहिए या सारी शेप एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम लोग का माइंड सेट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि चीज़ें सही जा रही हैं या गलत जा रही हैं, वो हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। ओके, तो अब हम लोग ऊपर वाले बॉक्स को मिडल से डिवाइड करने वाले हैं ताकि हमें सेंटर लाइन मिल जाए उस बॉक्स के। एंड सेव, अब हम हॉरिजॉन्टली भी ऐसे करने वाले हैं, बट इस बार हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे हाफ बॉक्स से, ताकि हमें एक आई लाइन मिल जाए। ये हमारी जो फेस की जो आईज़ की लाइन है वो दिखा रही है। एंड थोड़ा सा उससे नीचे हम लोग नोज़ लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड लिप्स के लिए भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, सेम जैसे नोज़ के लिए किया था। ओके, तो इन पॉइंट्स से हम लोग आईज़, नोज़ और लिप्स को जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं थोड़ा शेप दे रहा हूँ हमारे फेस को, जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सेम आपको भी उसी तरह से ड्रॉ करना है मेरे साथ। ओके, तो बॉक्स से थोड़ा सा छोटा रखा है मैंने, क्योंकि बॉक्स मेरे को लग रहा था यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया है। ओके, तो आइस की तरफ बढ़ेंगे अब। एंड आइस ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, एंड सेम मैं दूसरे आइस के लिए भी यही कर रहा हूँ। तो जैसा अब मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, सेम आप वैसे ही फॉलो करते रहिए वीडियो को, एंड डेफिनेटली आप लोग काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब नोज़ ड्रॉ करेंगे। एंड नोज़ के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉक्स की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे नोज़ ड्रॉ करने में मुझे बाद में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जो नेक वाला एरिया है, मुझे लगता है मैंने ज़रा छोटा कर दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। एंड हम लोग ये करते रहेंगे बीच बीच में, जहाँ हमें लगेगा कि गलत है तो वहाँ पर हम इरेज करके इसे दोबारा से फिक्स कर लेंगे। ओके, एंड लिप्स भी हम लोग इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, मैंने बॉक्स की शेप में ड्रॉ किया है, एंड डिटेल हम बाद में देंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हेयर्स की तरफ। हेयर्स के लिए भी मैं फिर से वही बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। मैं बॉक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे चीज़ें आसान हो जाती है ड्रॉ करना। ओके, तो साइड वाले हेयर्स के लिए मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ, एंड इन लाइंस के बीच में हमें ड्रॉ करने होंगे साइड वाले हेयर्स। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम नेक को भी शेप में ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हो सकता है यहाँ पे जो बॉक्स हमने ड्रॉ किए थे वो छोटे या बड़े हो जाएं, तो उसके हिसाब से हम लोग बॉक्स से सिर्फ एक आइडिया लेंगे। एंड जैसे हमारी जो बॉक्स है सेम उसी के ऊपर नहीं ड्रॉ करना, हम थोड़ा सा उसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, आप नोटिस करो और एडजस्ट करो और ऑब्जर्व करो अच्छे से। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे माउंटेन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ,
कॉर्नर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ राउंड शेप में, एंड प्रॉपर राउंड नहीं रखूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व है, ऐसा लग रहा है टूटा हुआ जो पहाड़ का हिस्सा है वो हमें थोड़ा सा दिखाना है यहाँ पे, तो उस शेप में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड माउंटेन ड्रॉ करना सबसे ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी शेप ड्रॉ करनी है, क्योंकि माउंटेंस जो है वो थोड़े से टूटे फूटे यहाँ पर दिखाने हैं हमें। ओके सो इतना ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे डार्क करने की कोशिश करूँगा एंड डिटेल्स ऐड करूँगा। तो हम पहले ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो उन्हें इरेज कर लेते हैं एंड फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा फाइन डिटेल्स जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे जो मैकेनिकल पेंसिल है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मली HB को जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उसको शार्प कर लीजिए अच्छे से, फिर यहाँ पर डिटेल्स ड्रॉ करिए। ठीक है, तो नोज़ मैं अब यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया था उसी की शेप में मैं अब नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आप वैसे ही फॉलो करिए वीडियो को और ड्रॉ करते रहिए मेरे साथ साथ। तो लिप्स को भी यहाँ पे मैं थोड़ा शेप दे रहा हूँ एंड जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम वैसे ही फॉलो करते रहिए अभी। तो यहाँ पे डिटेल ज़्यादा थोड़ा सा वर्क है इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी एंड ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से ड्रॉ करिएगा। तो इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ शेडो ऐड कर रहा हूँ, जो हमारे नेक के नीचे है अंडर वहाँ पे शेडो ऐड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ लाइंस को, हेयर्स की लाइंस को और जो हमारे बाकी के फीचर्स हैं उनको डार्क करने वाला हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो मैंने हेयर्स के लिए बॉक्स ड्रॉ किए थे वो थोड़े छोटे थे तो इन्हें इरेज करके दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो चेंजेस हमें करते रहेंगे ड्राइंग में, जहाँ जहाँ हमें मिस्टेक्स लगे उन्हें फिक्स करते रहेंगे। तो अब हम लोग स्नेक ड्रॉ करेंगे, जो हमारा जो हमारे शिव जी का स्नेक होता है, नाग होता है, उसको ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने के लिए मैं पहले यहाँ पे राउंड सी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसी शेप के जो आउटर एरियाज़ है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ कर्व में। एंड उस शेप को ड्रॉ करके मैं पूरा जो शेप है नाग की वो ड्रॉ करने वाला हूँ। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने जो शोल्डर हैं वो थोड़े छोटे कर दिए हैं, तो अब मैं उन्हें फिक्स कर रहा हूँ।
जैसे मैंने बताया था, हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, फिक्स करेंगे, जहाँ गलतियाँ लगेंगी वहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, एंड जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी ड्राइंग से, तब हम उसको तो और डिटेल देंगे, आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे, शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम लोग, एंड आराम से देखेंगे जहाँ मिस्टेक लगेगी वहाँ पर हम लोग फिक्स करेंगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया था, सेम वैसे ही हम लोग नीचे भी ड्रॉ करेंगे, माउंटेन्स वाला जो एरिया है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैं साइड में जो है वो थोड़े से प्लांट और माउंटेंस जो है एक्स्ट्रा माउंटेंस बैकग्राउंड में वो ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड ये एक रैंडमली शेप है जो मैं अपने माइंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल हमें नहीं देनी है क्योंकि बैकग्राउंड है, तो इसलिए अगर ये डिटेल नहीं भी होगा तब भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेन है हमारा सब्जेक्ट है वो है आदि योगी स्टैचू और ये माउंटेन, नीचे वाला माउंटेन। एंड अगेन मैं यहाँ पे रैंडम लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे हमारी शेप आ जाएगी माउंटेन की। ओके, तो इतना सब कुछ ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हैं और डिटेल ऐड करने में। ओके, तो इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, एंड बैकग्राउंड को भी हम लोग थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं हल्के प्लांट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जो माउंटेन्स है वो ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे हमारी ड्राॅइंग थोड़ी और अच्छी लगेगी और इसमें थोड़ा और नेचुरल लुक आ जाएगा। तो इतना सब कुछ ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लोग इसको शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, एंड शेडिंग के लिए मैं अगेन यहाँ पे 4B और 2B का यूज़ करके इसको पूरा शेड करने वाला हूँ। 4B मैं उन एरियाज़ के लिए यूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे डार्क लगेगा, एंड 2B मैं लाइट एरियाज़ के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 4B और 2B नहीं है तो आप HB को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको हार्ड प्रेस करके ड्रॉ कर सकते हो, एंड जहाँ पर लाइट है वहाँ पर हल्के हाथों से शेडिंग कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे फिलहाल 4B का यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइंस को थोड़ा और से डिटेल देने के लिए, जैसे आपको और अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो फाइनली अब हम लोग मेन हमारी जो शेडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं, एंड मैं यहाँ पे शेडिंग के लिए 2B यूज़ कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले मैं स्टेप में क्या करूँगा, मैं जो हमारी ड्राइंग है उसको कम्प्लीटली पूरा शेड करूँगा, इससे हल्के हाथों से मैं पूरी ड्राइंग को शेड कर लूँगा, एंड फिर मैं उसको ईयरबड की मदद से ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ये प्रोसेस मैं फॉलो करके पूरी ड्राइंग ड्रॉ करूँगा, एंड जहाँ पर मेरे को डार्क लगेगा, जहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं लाइक आइज़ के अंडर, नोज़ के अंडर, लिप्स के अंडर, नेक के अंडर, तो उन जगह पे मैं थोड़ा सा हार्डली ड्रॉ करूँगा, मतलब पेंसिल को थोड़ा हार्ड प्रेस करके ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करते हुए हमें ड्राइंग को ड्रॉ करना है, शेड करना है, एंड जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको भी वैसे उसी तरह से शेड करना है।
ईयरबड की मदद से मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। एंड ईयरबड से बहुत इजी हो जाता है जब आप शेडिंग करते हो, और स्मूथ आपको रिजल्ट चाहिए, आपको पेंसिल स्ट्रोक्स नहीं दिखाना है, तो आप ईयरबड का यूज़ करके पूरे कंप्लीट ड्राइंग को आराम से सर्कुलर मोशन में जो है वो ब्लेंड कर सकते हो। तो अब मैं 4B को यूज़ करके थोड़ा और इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करने वाला हूँ, डिटेल्स ऐड करने वाला हूँ। एंड डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से लगेगी। जो हमारा आदि योगी स्टैचू है वो अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने इसमें डिटेल्स ऐड कर दी है। एंड सेम अब हम लोग नीचे के वाले जो पोर्शन है हमारा माउंटेंस है उसको भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाह रहा हूँ, जब आप ऐसे डार्क एरिया जब आपका ज़्यादा हो तो आप पेंसिल को साइड से होल्ड करिए मिडल की तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है। एंड फिर आप उसके जो पूरा एरिया है वो यूज़ कर पाओगे पेंसिल की टिप का, सिर्फ टिप नहीं उसके साइड वाला एरिया भी यूज़ कर पाओगे, जिससे आप फटाफट शेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगर आप एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग एक बार में कम समय में काफ़ी एरिया शेड कर सकते हो। गाइस तो हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ और इसमें डिटेल्स ऐड करी हैं, लाइक मैंने यहाँ पे बर्ड्स को ऐड कर दिया है, एंड यहाँ पे कुछ और जो पहाड़ के टुकड़े हैं गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ छोटी मोटी छोटी चीज़ें हमारी ड्राइंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा बनाती हैं। एंड आप चाहो तो इसमें और भी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो, और चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक त्रिशूल ऐड कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना सकूं। एंड मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।